हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न कि व्हाई वी यूज ग्लिसरीन इन प्रेशर गेज। आपने प्लांट में काम किया होगा और प्लांट में जो प्रेशर गेज है उनको भी देखा होगा, और आप देखते होंगे कि इस प्रेशर गेज में है जो पीजी है, प्रेशर गेज मैकेनिकल प्रेशर गेज जो है उसमें जो है ग्लिसरीन भरी होती है। तो ऐसा क्या रीजन है कि प्रेशर गेज में हम ग्लिसरीन को भर के रखते हैं? तो उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या रीजन है कि प्रेशर गेज में हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है ग्लिसरीन का यूज करने का वो है इट हेल्प इंक्रीज द लाइफ ऑफ प्रेशर गेज बाय लुब्रिकेटिंग द मैकेनिकल पार्ट ऑफ प्रेशर गेज। यानी कि ये जो है प्रेशर गेज में जितने भी मैकेनिकल पार्ट हैं, चाहे वो पिनियन हुआ, नीडल हुआ, पॉइंटर हुआ, या उस जिस मेटल से बनी हुई है वो, तो वो सारी जो है मैकेनिकल पार्ट मैकेनिकल जो पार्ट है उसकी वो ग्लिसरीन क्या करती है दोस्तों, लुब्रिकेटिंग का काम करती है। और उसकी वजह से लुब्रिकेटिंग का काम करेगी तो उसमें वियर एंड टीयर लॉसेस कम होंगे और उस जो प्रेशर गेज की जो लाइफ है वो इन्हेंस कर जाएगी, यानी कि उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे आपको, आप भी ग्लिसरीन का यूज करते होंगे दोस्तों, जैसे जाड़े में हमारी त्वचा जो है फटने लगती है, ड्राई होने लगती है, तो उस समय हम जो है ग्लिसरीन का यूज करते हैं जो एक मॉइस्चराइजर का काम करती है और उसमें नमी बनाए रखती है, जिसकी वजह से हमारा जो है हमारी हम एज ए लुब्रिकेटिंग हमारी शरीर का वो करती है। ग्लिसरीन का भी यूज करते होंगे, फोट पड़ता है तो या किसी भी वे में, तो ठीक उसी तरह जो है ग्लिसरीन जो है प्रेशर गेज में एक तरह से लुब्रिकेटिंग का काम करती है उसके मैकेनिकल पार्टों की, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा काम क्या है दोस्तों, प्रिवेंट फ्रॉम फ्लक्चुएशन वेयर एंड टीयर लॉसेस। जैसे प्रिवेंट फ्रॉम फ्लक्चुएशन से भी ये बचाती है। कैसे बचाएगी दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि सपोज कीजिए कि ये लाइन है, ये कोई लाइन है और लाइन से हमारा कोई स्टीम जा रही है, तो स्टीम जा रही है या कोई पानी पानी का फ्लो जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो उसका प्रेशर मेजर करने के लिए हमने प्रेशर गेज लगा रखा है। आप जानते हो कि अगर लाइन से अगर पानी जाएगा तो पानी का फ्लो टाइम टू टाइम वरी करता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी एकदम जीरो हो जाता है, या कहीं कभी बहुत ही मैक्सिमम चला जाता है। तो उस समय जो पॉइंटर है जो प्रेशर गेज का, वो बार बार फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर से नीचे जो है फ्लक्चुएट करेगा, और जितना ही फ्लक्चुएट करेगा वह तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वियर एंड टीयर होगा, यानी कि उसमें रगड़ रगड़ होगी, और ज़्यादा रगड़ होगी तो वो खराब होने का उसका चांस है। तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं उस प्रेशर गेज में। प्रेशर गेज में ग्लिसरीन का यूज करने से क्या फायदा है दोस्तों, जब जो उस समय अगर फ्लक्चुएशन होगा, अगर उस समय आप अगर आपका प्रेशर गेज जो है ग्लिसरीन के बिना रहेगा तो बार बार वो जो है फ्लक्चुएट करेगा और हर नैनो सेकेंड में सेकेंडों में वो वेरिएशन आएगा और ऊपर नीचे होगा, मूव करेगा, बहुत फास्टली मूव करेगा, जिसकी वजह से उसमें जो है वियर एंड टीयर हो सकता है, घिसाव हो सकता है। लेकिन अगर उस केस में अगर ग्लिसरीन से भरा हुआ प्रेशर गेज है तो वो क्या करेगा दोस्तों, देखो ये दोस्तों ग्लिसरीन जो है उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, विस्कोसिटी उसकी हाई होती है, तो वो विस्कस फोर्स उस पर विस्कोसिटी की वजह से जो है पॉइंट जो नीडल है वो आराम से उसमें तुरंत तुरंत फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वो आराम से नीचे आएगी, आराम से ऊपर जाएगी, और जो भी है आराम से वो ईजिली जो है पॉइंट आउट करेगी किसी भी पॉइंट को, वो तुरंत फ्लक्चुएशन नहीं करेगी, इतना जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं करेगी, क्योंकि ग्लिसरीन जो है विस्कस फ्लूड है, विस्कस फ्लूड में उसकी थिकनेस की वजह से जो पॉइंटर पे जो नीडिल होती है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, आराम से नीचे आएगी, आराम से जाएगी। तो एक दूसरा ये इसका फायदा है। तीसरा जो है फायदा क्या है, इट स्टेबलाइज द नीडल, यानी कि यह नीडल को एक को यह इट स्टेबलाइज करती है, यह नीडल को क्या करते हैं स्टेबलाइज करती है, यानी कि विदाउट ग्लिसरीन द नीडल वुड बी बाउंस इरेक्टली मेकिंग इट डिफिकल्ट टू पिन आउट वेयर द नीडल इज एग्जैक्टली पॉइंट आउट ऑन द गेज। ये कह रहा है कि इट स्टेबलाइज द नीडल, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे रनिंग प्लांट है, रनिंग प्लांट में जो है अपना जो है बार बार जो है फ्लो जो है पाइपलाइन का जो प्रेशर बार बार बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उस समय वो हंट करेगा, प्रेशर गेज तुरंत हंट करेगा, कभी 5 कभी 7 कभी
एक पे आ जाएगा, कभी सात पे आ जाएगा, मतलब पूरा हंट करेगा, बहुत ही फ्लक्चुएशन करेगा, हंट करेगा। तो अगर ग्लिसरीन रहेगी तो वो स्टडीज करेगी, उसे एक जगह पे रखने में रखेगी, क्योंकि विस्कस फोर्स लगेगा उस पे, उसके थिकनेस हाई है, विस्कोसिटी हाई है, तो वो जो है एक पॉइंट पे बनाए रखेगी, उसे एक जगह पे बनाए रखेगी, बहुत कम जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा न करके, एक तरह से इरेक्टली, जिसे कहते हैं कि इरेक्टली जो है रीडिंग नहीं देगी, एक एक्यूरेट, एक तरह से एक्यूरेट रीडिंग देगी। नहीं तो उस तरह जब पूरा हंट करेगा प्रेशर, कभी 7 kg कभी 5 kg, तो उस समय आपको इरेक्ट इरेक्ट रीडिंग मिलेगी, लेकिन ग्लिसरीन के यूज से ज़्यादा इरेक्ट नहीं, एक्यूरेसी जो है रीडिंग आपको मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा कि वाई ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का ही यूज हम क्यों करते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे फ्लूड हैं, हमने ग्लिसरीन को ही क्यों चुना, तो उसका भी हम बता रहे हैं दोस्तों कि ग्लिसरीन इज अ मोर विस्कस, ये बहुत ही विस्कस फ्लूड है, एंड देयर थिकनेस हेल्प टू कीप द नीडल स्टडी, और उसकी जो थिकनेस यानी कि विस्कस विस्कस लिक्विड जो है थिक ही होते हैं, तो उनकी थिकनेस जो है नीडल को स्टडी करती है, स्टडी रखती है, एक जगह रोक के रखने का प्रयास करती है। उसके बाद ग्लिसरीन कलरलेस है, सब एकदम कलरलेस है, आप जान जाओगे कितनी रेटिंग है या कितना क्या है। उसके बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो ग्लिसरीन का जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, इसीलिए तो हम बॉडी पे ग्लिसरीन को लगाते हैं, क्योंकि ये त्वचा के साथ रिएक्शन नहीं करता, एक तरह से जो है हजारस नहीं है, और जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन का की तरह बिहेव करेगा। दूसरा नेक्स्ट है हमारा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, इसे स्टीम की लाइन में लगा सकते हैं, जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 है, यानी कि 290 के नीचे की जितनी भी लाइन स्टीम की रहेगी, तो वहाँ पे आप ग्लिसरीन का यूज कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों इसके 17.8 है, मेल्टिंग पॉइंट 17.8 होने की वजह से कभी कभी देखते हो कि जिस प्रेशर गेज में ग्लिसरीन भरा होता है, तो वो जो है अगर वो फ्रीज हो जाता है ठंडियों में, तो उसका सल्यूशन एकदम डार्क हो जाता है, और मतलब एक तरह से वो एक तरह से फ्रीज हो जाता है, तो उस समय हमारी थोड़ी सी ये ड्रॉबैक है ग्लिसरीन का, कि उस समय जो है रीडिंग देख नहीं पाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी थोड़ी सी और कम हो तो अच्छी हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लिसरीन का यूज हम प्रेशर गेज में क्यों करते हैं, क्या क्या उसके लाभ है या हानि है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।